हाँ जी फ्रेंड, सत श्री अकाल। किवें हो? सारे वधिया हो? अब जो मैं आपको डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है। गर्लिश डिज़ाइन है। और चलो हम बनाते हैं पिंक कलर का ये, इसको ऑर्गेन्जा स्टफ भी बोलते हैं और शिमर शिमर भी बोलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखो मैं इतना टाइम निकाल के अब दोबारा से वीडियोस बनाने लगी हूँ, थोड़ा मैं किसी काम को लेके बिजी थी, अब फ्री हूँ। तो आप प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ओके ओके, चलो हम अब बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले 1 मिनट मैं इसको पोंछने के लिए ब्रश को कपड़ा लेके आना भूल गई हूँ, वो अपने पास रखती हूँ ताकि फिर कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अब शुरू करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं और मेरा फोन, दोनों चार्ज नहीं थे पहले, दोनों फोन को जो एक स्टैंड पे लगाया ये, इसको पहले चार्ज किया। तो मैं यहाँ पे एक फूल आपको बनाने बता रही हूँ और बाकी फिर मैं जो बाकी का डिज़ाइन है वो बाद में बना लूंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे पास 8 नंबर का ब्रश है और उसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और मैंने पिंक कलर बना के रखा हुआ है। 3 कलर से ये फूल, सॉरी 4 कलर से ये फूल बनेगा और एक मेहरून कलर से आउटलाइन होगी। ठीक है, तो इसको देखो कैसे मैं बना रही हूँ। सबसे पहले इस तरह से मैंने राउंड ब्रश में पतला पतला कलर लिया पिंक, और उसको इस तरह फ्लैट करते हुए राउंड राउंड बना लिया, और फिर इस तरह करते हुए एक राउंड और बना लिया। ये ना ब्रश को थोड़ा कपड़े को देख के उस हिसाब से यूज़ करना है। मैंने ब्रश एकदम पानी से निकाल के उसको पोंछा नहीं, और सॉरी ये बहुत ही गीला था, पतला था, सॉरी कलर, और ब्रश पे से पानी नहीं निकाला तो थोड़ा सा फैल सा रहा है, वो बस थोड़ा ध्यान रखना है हमने, है ना। अब इस तरह से एक ही जैसे जो है ना 3 रोज बनाने हैं। ये देखो इस तरह से ये टेढ़ा फूल बना रही हूं मैं ऊपर की तरफ इसका, और ये थोड़ा बड़ा है, मेरे से छोटा बन गया, तो अब इसको मैं थोड़ा फैला रही हूं। तो इसको फूल की शेप दी है मैंने, कोई ओखा नहीं है, ध्यान से देखो, दोबारा बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से फूल की शेप में ऐसे ये अंडाकार बनाया, फिर एक पत्ती ये बनाई, एक पत्ती ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 पत्तियाँ बना दी गोल बना के। और ये अब मैं इसको रेड कलर से इसके अंदर शेडिंग करती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा विजिबल होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अब इसको रेड कलर मैंने लिया और इस साइड में भी रेड कलर ऐसे ऐसे लिया। ठीक है, और ऐसे मिक्स करती जा रही हूँ, और इस तरह से एक स्टेप यहाँ लगाया रेड कलर का। सबसे पहले मैंने पिंक कलर से कुछ नहीं किया, फूल की आकृति दे दी। ठीक है, अब एक पत्ती पर मैंने रेड कलर कर दिया, बाकियों पर नीचे नीचे करना है, और ये बीच में ये स्पेस छोड़ देना है, इतना स्पेस छोड़ देना। अब ये नीचे नीचे इस तरह से, अब ये जो जो फैल चुका है ना, क्योंकि ये ब्रश गीला था तो ये इतना डरने की बात नहीं है, इसको अभी नहीं छेड़ना, आप छेड़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। इसको थोड़ी देर भुला देना है और हल्का हल्का ब्रश ऐसे ऐसे करके यहाँ पर भी हम चला देंगे। ठीक है, अब जो इतना फूल एक और जगह बना लेंगे ताकि जितना ये हमने बनाया है ये अच्छे से मतलब वो हो जाए। ठीक है, एक ऊपर की तरफ भी हम फूल बना लेंगे, या ऐसे करती हूँ मैं, इसको थोड़ी देर इतने इतना ही स्टे करने दो, थोड़ा सा हल्का हल्का सूखेगा तब इसको फाइनल टच देंगे। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, ब्रश को धो के थोड़ी सी पत्तियाँ बना लेते हैं। ओके, पत्ती बनाने के लिए मैंने एक तो मैंने मेहंदी कलर के अंदर लेमन येलो कलर मिलाया है। ठीक है, और वो कर रही हूँ इस तरह से लंबी लंबी पत्तियां। देखो ये कॉपी वर्क कर रही हूं मैं, ये मैंने डिजाइन खुद से नहीं बनाया है, ये मुझे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है उन्होंने डिजाइन मुझे भेजा है। ठीक है, अब ये पत्तियां मैंने लेमन कलर और मेहंदी कलर को मिक्स करके बनाई है। अब जितनी पत्तियां मुझे दिख रही है ना,
उसको मैं एक बार इसी कलर से बनाऊंगी और बाकी शेडिंग बाद में करूंगी, क्योंकि बार बार फिर हमें ब्रश धोना नहीं पड़ेगा। अब सर्दियां है ना, सर्दियों में एक फायदा ये हो जाता है कि जल्दी सूखता नहीं ना कलर, तो एक काम फास्ट भी हो जाता है और स्लो भी, दोनों बातें ही हैं। जैसे अब ये पत्तियां मैं सारी बनाने के बाद शेडिंग करूंगी तो भी ये इतने में सूखेगा नहीं, ठीक है ना। नहीं तो एक दो पत्तियों के साथ ही दूसरी शेडिंग साथ साथ करनी पड़ती है ना, अब कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जहां जहां पे इसकी फैला हुआ है, जहां जहां पे पत्तियां आएंगी वो पत्तियों से कवर कर रही हूं मैं, और जो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचेगा फैला हुआ उसके ऊपर कलर हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा मेरे ब्रश में रेड रंग था, वो भी टेक्सचर आ रहा है पत्तियों में, तो वो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता वो। अब ये देखो, अब दो पत्तियां पत्तियां जो है ना नीचे लटकती हुई भी आ रही हैं ऐसे करके, एक इधर साइड और एक उस साइड। अब दो पत्तियां और इधर बना के, ये इधर। अब मैं रेगुलर वीडियो, अब जो है ना वाइट कलर लेंगे और वाइट कलर इस तरह से जहां जहां पे हमने पिंक लगाया था ना वहां वहां पे वाइट कलर लगाएंगे। और वाइट कलर जो ये लगाना है ना, ये बिना मतलब बिना मीडियम या वाटर के मिक्स किए बिना लगाना है, मतलब थिक लगाना है ये। हम इसकी जैसे समझ लो फिनिशिंग कर रहे हैं, और ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय में बनने वाला बढ़िया डिजाइन है। अब जहां जहां पे ये फैल गया था ना ये रोज, वहां वहां पर ऐसे व्हाइट कलर लगाते रहेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैरून कलर से इसकी आउटलाइन करेंगे। इतने में पहले हम पत्तियों को भी फाइनल कर देते हैं, और उतनी देर इसको इस कलर्स को भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम मेहंदी कलर लेंगे और इस तरह से अब ये सारा इस तरह से बीच बीच में, मतलब कहीं कहीं तो ये मेहंदी कलर रहना चाहिए, कहीं लाइट कहीं डार्क ऐसे। ये सारा कवर होने के बाद अब फाइनल रह गया इसकी आउटलाइन करनी, ठीक है। अब इसकी हम आउटलाइन करेंगे, इसकी फूल की भी और इसकी भी। और जो ये अपन ने ये करना है ना मेहंदी कलर, ये थोड़ा सा कम पतला होना चाहिए, और जो ये बीच वाला है वो ज्यादा पतला होना चाहिए। अब जो मेहंदी कलर है वो थोड़ा ज्यादा पतला लग रहा है मुझे, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा फैल रहा है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कोई बात नहीं। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा ना तो
अब ये इस तरह से इसको मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी जो है ना आउटलाइन, इसकी तो ब्लैक से करनी है और इसकी मेहरून से करनी है। और फिर ये बिल्कुल, मैं पहले मेहरून कलर बनाती हूँ। मेहरून कलर बनाना है, रेड के अंदर हल्का सा ग्रीन कलर डाल देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेहरून कलर। मैंने हल्का सा ग्रीन कलर मिला दिया है और अब चला कर देखती हूँ। अब वैसे ये गीला है, गीले गीले पर तो नहीं करना, ध्यान रखना है, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। बाद में इसको कुछ फैल गया, कुछ हो गया तो मैं इसको बाद में ठीक कर लूँगी। थोड़ा सा जब ये सूखेगा ना तब करना है। कई बार आउटलाइन हम गीले पे कर तो देते हैं बट कई बार फैल ना जाए ना, इसलिए। ये देखो इस तरह से इसकी फूल की आउटलाइन हो गई है और ये फूल आपके सामने जो है थोड़ा बहुत दिखने लग गया कि हाँ ये फूल बन गया है ना। और जहाँ जहाँ पे कोई ये जैसे रेड कलर उतर गया, मतलब मिक्स हो गया था, हाई टच देने हैं तो वहाँ वहाँ पे हम रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लूँगी ब्लैक कलर, ठीक है। अब मैं ब्लैक कलर निकालती हूँ और उससे पत्तियों की आउटलाइन करके दिखाती हूँ आपको। आपको बस मेरी इतनी हेल्प करनी है कि जितना हो सके मेरी वीडियो को आप लाइक एंड शेयर किया करें, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है ना वीडियोस वगैरह पूरे जिस तरह से मैं डालती थी ना, जिस एक समय था डालने का, वो मैं रेगुलर नहीं हो पाई। थोड़ा मैं काम में बिजी थी और अब मैं फ्री हूँ और मतलब अब मैं वीडियोस डाला करूँगी। तो आप भी मेरे को हौसला बढ़ाएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मुझे खुशी हो कि हाँ अब सब मेरे साथ फिर दोबारा से जुड़ गए हैं और मैसेज करने लग गए हैं मुझे, है ना। तो अब मैं ना ये आउटलाइन वाला ब्रश इसमें थोड़ा कम यूज़ होगा, इसमें मोटी आउटलाइन करनी है क्योंकि ये पत्तियाँ हैं ना, इसमें हम थिक करेंगे आउटलाइन। अब मैं इस ब्रश से करती हूँ। वो ब्रश तो हमें इसके लिए रोज़ के लिए ठीक है, अब ये ब्रश से ये आउटलाइन करनी है, इस तरह से बारीक काम ऐसे करना है। इस तरह से पत्तियों की जो ओरिजिनलिटी टाइप शेड्स होती है ना वो आ जाएंगे इस तरह से। तो ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये फूल देखो दूर से अच्छा लगेगा। अब यही सेम फूल एक यहाँ डालना है रोज, एक थोड़ा ऊपर डालना है और वो डिज़ाइन, वो तो जितना मर्जी आप उसको डिज़ाइन को बढ़ाते जाओ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।